तीन प्रताप छात्रावास के सामने दुर्गा कॉलोनी स्थित वासी नीरव काफी परेशान हैं। परेशानी का कारण कोई व्यक्तिगत नहीं बल्कि सार्वजनिक है। कॉलोनी वासियों का आरोप है कि उनके कॉलोनी में स्थित पार्क की भूमि पर कोई रसूखदार व्यक्ति अतिक्रमण कर रहा है। वहीं जब उसे समझाने जाते हैं तो वह झगड़े पर उतारू हो जाता है। इसी सिलसिले में मोहल्ले वासियों ने एकमत होकर पुलिस अधीक्षक गुना के नाम एक ज्ञापन देने की बात सोची, जिसके बाद सभी ने मिलकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया, जिसमें लिखा है कि उक्त रसूखदार व्यक्ति को इजाजत देकर अतिक्रमण वाले हिस्से में मकान का काम रुकवाया जाए। पर्सनली तुमने कितनी बार बोल दिया इनसे? इनसे मकान बना रहा है, मकान बना रहे हमने ये बोला भाई साहब पार्क था तो उन्हें हमको बोला रेस्टी है तो मैंने बोले रेस्टी है हमें तो दिक्कत नहीं है, फिर भी हमारा पार्क तो हम तो नगर पालिका में तो मालूम करेंगे, तहसील में मालूम तो करेंगे कि हकीकत क्या था। ऐसे साहब कुछ भी नहीं है, सार्वजनिक पार्क था बाढ़, इसमें पहले ये कॉलोनी कटी थी, आगे कमला कॉलोनी नाम था इसके, हमारे पास है ना पुराने समय का नक्शा है, इसमें एक पार्क दिया था, हमने पार्क कमला कॉलोनी पार्क था और सरकारी पार्क था, बहुत समय से नगर पालिका को सबको अवगत कराया, उन्होंने कि करवा देंगे बाउंड्री वाल करवा देंगे, कई लोग खाली डला था, कितने समय बाद लोगों ने बताया कि भाई साहब ये पार्क की जगह है और उसमें कुछ प्लाट की जगह है, ठीक है जो बनाने वाला है उसको अवगत कराया भाई साहब उसमें पार्क की जगह थी, उसने कहा ठीक है, उसने अपनी तो हमने कहा ठीक है भैया तुम बनाओ हम तो कुछ नहीं कहेंगे कानून जाने, इसके बावजूद बन गया, हमने कोई भी आपत्ति किसी ने नहीं लगाई ना कुछ। अभी चार दिन पहले उन्होंने छज्जा 4-5 फीट का छज्जा कर दिया, हमने उसको कह कि भैया 3 का कर लो, नहीं 3 का भी पट्टी लगा दी उन्होंने, इसके बाद फिर रसूखदार लोगों को दादागिरी दादागिरी वाले आदमियों को ला के वजनदार आदमियों को कि नहीं उनके पास तो इतना पैसा है, अनिल जैन LIC वाले हैं उनका मकान बन रहा है, उनके पास पैसा ही बहुत है, दादागिरी बहुत है और राजनीति भी बहुत है, हैं और आप उनसे कहाँ से टकराओ, मैंने कि नहीं सार्वजनिक चीज़ है तो हम क्या टकराएंगे, शासन टकराएगा, इतनी बात मैंने कही। क्या नाम है कौन सी जगह है? ये प्रताप छात्रावास सामने लॉजिक कंप्यूटर के पीछे।